प्यारे दर्शकों और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स आप दोहराने की कोशिश ना करें। प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स जानकार लोगों की देखरेख में किए गए हैं, इसलिए हमारी विनती है कि आप ये स्टंट्स दोहराने की कोशिश ना करें, आपकी जान के लिए ये खतरा हो सकता है। परेशान क्यों, बता। सर, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मदद कैसी? सर, बहुत लोगों की जान खतरे में है। बहुत लोगों की जान खतरे में है? अरे यार, अजीब बिल्डर देखा मैंने। पहले तो बिल्डिंग का सारा काम दे चुका, अभी बोलता है जो बचा लेके आओ। बचा क्या, क्या लेके आएंगे यहाँ से? बिल्डर है कि भंगार वाला है? कोई भी हो, अपने से क्या लेना देना, अपने को तो मजदूरी से मतलब है। यार एक बात है गुरु, काम कर ले यार फटाफट। क्या है कि बिल्डिंग है ऐसी कमजोर टाइप की है ना? कुछ नहीं होगा यार, बिल्डिंग इतनी कमजोर भी नहीं कि हवा से गिर जाए। कहाँ जा रहा है साइंटिस्ट, इतनी जल्दी क्या है? मेरे पीछे क्यों खड़े हो तुम? वो तो हम तेरे को बाद में बता देगी कि हम लोग कौन हैं। पहले ये बता कि कहाँ पे छुपा के रखा है वो ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट? हाँ हाँ। कैसा ब्लूप्रिंट? मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सच सच बता दे साइंटिस्ट, वरना तो अच्छी तरह जानता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, तुम लोग को जो कुछ करना है करो, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तेरे पास ब्लूप्रिंट नहीं है तो फिर इस बिल्डिंग में क्या कर रहा है तू? मैं अभी भी वक्त है तेरे पास, सच सच बता दे ब्लूप्रिंट को कहाँ छुपा कर रखा है तूने? सच मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा। एक मिनट रुक जाओ, बताएगा ये? बोल कहाँ छुपाया तूने ब्लूप्रिंट को? मैंने कहा ना तुम लोगों को, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। साइंटिस्ट, तेरी बेटी हमारे कब्जे में है। नहीं है? ये चार लोग इसको मारने वाले हैं क्या? मारने वाले क्यों है? बचाए क्या इसको? पागल हो गया क्या? अपने को मार देंगे। वहां कोई है? भागो, निकलो जल्दी यहां से। वो देखो बाहर है। ए, रुक! अरे वो देखो वहां है। क्या नहीं यार? जान बच गई, जरा भी इधर उधर हुआ होता तो गोली खोपड़ी में लग जाती। छोड़ूंगा नहीं मैं उन लोगों को, उन्होंने मेरे साथी की जान ली है। मैं सीआईडी को फोन लगाता हूँ। ये नई मुसीबत क्या आ गई? बिल्डिंग क्यों हिल रही है? कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? सर, मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो किस हालत में होंगे। देखो पायल, घबराओ मत, हम तुम्हारे डैडी का पता लगाएंगे। लेकिन आपने इतने दिनों तक ये बात छुपा के क्यों रखी हमसे? सर, मैं आप लोगों को कई बार बताने वाली थी, मगर मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगी तो शायद उनकी जान को नुकसान ना हो जाए। हमें बताने से कैसा नुकसान पहुंचता उन्हें? सर, मुझे शक है कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। रंग लाल है गाड़ी का, गाड़ी का नंबर है XSGP0128। जैसे ही आपको गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चले हमें फौरन फोन कर दें, हम लोग आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। या थैंक्स, बाय। सर, अभी पूरे शहर को रेड अलर्ट कर दिया है, जैसे ही उस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चलेगा वो लोग हमें फौरन इन्फॉर्म कर देंगे। वेरी गुड। पायल एक बात बता, किसने किडनैप किया होगा तुम्हारे डैडी को? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, मुझे किसी पे भी शक नहीं है।
मगर वो कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है और साथ साथ में बहुत सारे लोगों की जान को भी खतरा है। और लोग भी मारे जाएंगे क्या? आपने पूछा नहीं कि और लोगों की जान को कैसे खतरा है? सर मुझे कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी नहीं बता रहे थे फोन पे। कितने दिन से गायब है आपके डैडी? दो दिन। अच्छा उनके ऑफिस से कुछ पता चला? वहाँ पे भी किसी को कुछ भी नहीं पता। सर एक साइंटिस्ट का गायब होना कुछ ना कुछ तो बड़ी बात होगी। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ कहाँ पे? ओके थैंक यू वेरी मच सर। हाँ पायल के डैडी की कार अंधेरी के एक जीवन बिल्डिंग में देखी गई है। ऊपर से नीचे गिर गया सर, ये दब गया सर। हटो हटो बिल्डिंग में ये फिर आएंगे ना। क्या लेना देना वही तो सर। चलो लौट जाओ। बाय चलो कमाल के मारा नीचे हो सकता रोमन। संभल के संभल संभल। कैसे हो? अच्छा हूँ सर। बता तुम हो कौन? मैं रमेश, लिफ्ट मैकेनिक। रमेश लिफ्ट मैकेनिक हो? मगर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ये बिल्डिंग तो टूटने वाली थी ना, डिमोलिश हो रही थी ना। मैं और मेरा साथी निमेश लिफ्ट का बचा कुचा सामान निकाल रहे थे। निमेश? निमेश कहाँ है इस वक्त? पता नहीं साहब, वो तो बिल्डिंग के अंदर ही था, उसको गोली लगी है। गोली लगी हुई है? हाँ। देखो ये तुम क्या कह रहे हो, जरा शांत हो जाओ और ठीक से बताओ। मैं और निमेश लिफ्ट के गाले से नीचे आ ही रहे थे, कुछ लोगों की आहट आई, दीवार के कांच से झांक के देखा तो क्या देखा? एक आदमी को चार लोगों ने घेर के रखा था और एक आदमी के हाथ में बंदूक भी थी। एक आदमी को चार लोगों ने घेर रखा था और उस पर बंदूक तो नहीं थी, कौन था वो आदमी? मालूम नहीं, देखने में तो शरीफ और इज्जतदार लग रहा था, दुबला पतला गोरा सा था और मूंछ भी थी सर उसको। तो फिर ये तो मेरी डैडी की बात कर रहे हैं सर। बता फिर क्या हुआ? जैसे उसने गोली चलाई मैं चीखा और भागा, वो लोग मेरे पीछे भागे सर, मैं जान बचा के भाग गया। और वो आदमी जिसे गोली मारी थी उसका क्या हुआ, वो कहाँ है? मालूम नहीं। मेरे डैड को प्लीज बचा लो सर, प्लीज। घबराओ मत, हम तुम्हारे डैडी को बचा लेंगे। रह जा बिल्डिंग में जाकर देख, इसे ले चलो। नीचे के सारे रास्ते बंद है।
संभाल के विवेक, पुलिस कभी भी भेज सकते हैं। सवाल के विवेक क्या सर? विवेक इतनी जल्दी हो सके साइंटिस्ट को ढूंढना है हमें। मुझे लगता है ये बिल्डिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी सर, कभी भी ढेर हो सकती है। हो सकता है, पर हमें उस साइंटिस्ट को किसी भी हद में बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से उसे ढूंढ निकालना है। यस सर। देख, देखते हैं कहीं किसी कमरे में बंद तो नहीं है वो, या फिर किसी मलबे के नीचे दबा हुआ हो। आवाज लगा के देखो क्या? नहीं, आवाज लगाने से खतरा हो सकता है उसके लिए और हमारे लिए भी। वो गुंडे यहाँ पे छुप के बैठे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। सर बाहर वो मेंटेनेंस वाला कह रहा था कि उसने साइंटिस्ट को तीसरे माले पे देखा था, पहले वहीं जाके देखे सर। साइंटिस्ट घायल हो गया हो सकता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे तो कोई देख नहीं रहा है, वो नीचे कहाँ से टपक रहा है? शायद मलबे के नीचे कोई दबा हुआ। ये तो दूसरा मेंटेनेंस वाला आदमी है। मेंटेनेंस वाला? इसके पैर से खून निकल रहा है, इसके पांव में गोली लगी है, इसीलिए बेहोश है। लगता है इसे होश में आने में टाइम लगेगा। इसे खून तो लगातार बह रहा है, ऐसे तो ये मर जाएगा यहीं पे। नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा है। इसका पैर उठाओ, संभाल के।
हो गया, इट्स ओके। लोग ऐसे 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 ही छोड़ देंगे क्या? साइंटिस्ट को भी ढूंढना है। एक काम करो, तुम यहीं पे रहो, हमारे पास वक्त बहुत कम है और साइंटिस्ट को ढूंढना बहुत जरूरी है। वैसे भी बिल्डिंग धीरे धीरे गिर रही है, इससे पहले कि बिल्डिंग गिर जाए साइंटिस्ट को ढूंढ के यहाँ बिल्डिंग से बाहर निकालना होगा। सुनो, तुमने देखा था हाँ, तुमने देखा था उन गुंडों को साइंटिस्ट को मारते हुए? तुमने देखा? जमाले पे ठीक है, तुम यहीं पे रुको, हम लोग जाके देखते हैं। इस जमाले पे ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, चलो हमारे साथ। उठो, उठो, संभाल। गोली लगी है ना? सवाल क्या? किसी भी बिल्डर को हाथ नहीं लगाना, सुना भी नहीं? रमेश, जब उन गुंडों ने साइंटिस्ट को मारा उसके कितने देर बाद ये बिल्डिंग गिरी? जैसे ही वहां पर वो साइंटिस्ट को गोली चली ना, डर के मारे उन लोगों ने हमारी तरफ देखा सर, और वो लोग हमारी तरफ भागे और उन्होंने सर गोली चला दी सर। ये देखिए सर, ये मेरा पैर, ये हाल उन्हीं लोगों ने किया है। मतलब ये सब 10-20 मिनट के बीच हुआ है। सर दया कहाँ है सर? मेरे पापा की अभी तक कुछ खबर नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज कुछ करिए ना। मत, जैसे दया को तुम्हारे डैडी के बारे में पता चलेगा वो हमें तुरंत खबर कर देगा। दया चुप बैठने वालों में से नहीं है, घबराओ मत। हाँ दया, तुम पहुंच गए? कोई मिला क्या? सर वो मेंटेनेंस वाला दूसरा आदमी मिल गया सर। दया, लिफ्ट मैकेनिक को तो गोली लगी थी ना? हाँ सर, मगर अभी ठीक है, वो हमारे साथ ही चल रहा है। दया, जो कुछ भी कर रहे हो संभाल के करना, बिल्डिंग कभी भी धस सकती है, समझे? चिंता मत कीजिए सर, हम लोग ठीक है। देखो दया, संभाल के। यस सर। और एक बात बताओ, पायल के डैडी के बारे में, मेरा मतलब है साइंटिस्ट के बारे में कुछ पता चला? सर हम लोग तीसरे माले पे हैं सर, पता चला है कि वो साइंटिस्ट यहीं पे है। लेकिन सुनो दया, हेलो हेलो दया, हेलो दया, दया संभाल के, कोई भी पिलर नहीं था। गड़बड़ हो गई है सर, ये लोग फंस गए। हाँ अभिजीत सर, अंदर जाना पड़ेगा। मगर कैसे जाओगे सचिन, बिल्डिंग तो कभी भी धस सकती है। सर लेकिन अंदर तो जाना पड़ेगा ना सर। बैठ, तुम जाओगे? हाँ सर। गुड, मगर ध्यान से जाना। काजल तुम भी सचिन के साथ जाओ। लेकिन सचिन तुम कैसे जाओगे, सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं। सर एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एलिवेटर से सर, मेंटेनेंस वालों ने वहां रस्सी लटकाई हुई थी सर। ठीक है तुम जाओ, गुड लक। यस सर, चलो काजल।
सर, सर लोग लिफ्ट की शक्ति वास्ते रास्ते निकल रहे हैं सर ऊपर। सुनो सचिन, जैसे तुम्हें दया मिले मुझसे बात करवाओ। हाँ सर। ओके एंड गुड लक। अभिजीत, सचिन और काजल एलिवेटर शॉप से ऊपर जा रहे हैं। काजल, ये सारे के सारे दरवाजे जहां हैं ऊपर की ओर चलते हैं। कहते अपने आप मौत को दावत देना। मौत को दावत तुम लोगों ने दी है, हमने नहीं। वो अभी पता चल जाएगा। गन लाओ मैडम, कोई चालाकी नहीं चलेगी। सीआईडी वाले हमें हथकड़ी पहनाने आए थे, अब इनके हथकड़ी इन्हें पहनाते। चलो चलो आ जाओ मैडम। चलिए मैडम। चलो। बच गए। अबे ओ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बाहर तो हम आ गए रूम से, लेकिन मौत के मुंह में अभी भी हैं। हाँ यार, एक तो ये बिल्डिंग गिरने वाली है, ऊपर से ये सीआईडी वाले भी यहाँ आ गए। उन दोनों सीआईडी वालों का तो काम तमाम हो जाएगा, बेचारे अंदर ही दम घुटने से मर जाएंगे। साइंटिस्ट डर क्यों नहीं रहा? कहाँ छुप कर बैठा है वो? एक तो ये बिल्डिंग गिरने वाली है, वो बस यहीं दब के मर जाएगा। ये कैसी आवाज है यार? जाके देख। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है कहीं सीआईडी वाले हुए तो। बड़ा डरपोक है यार तू। अरे तो तू जाके क्यों नहीं देखा? लड़ो मत, मैं जाके देखता हूँ।
देखना, संभाल के जाना, याद रहे वो सीआईडी वाले हैं। जा। सीआईडी वाले मेरा क्या करेंगे? ये देख मेरे पास क्या है, मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, साथ में सीआईडी वालों को लेके जाऊंगा। ध्यान से जाना। तुम लोग ये ठहरो। एक काम कर, तू वहां पर जा, तू वहां पर जाकर देख और मैं यहां देखता हूं। अब क्या करेंगे? अबे उस तरफ नहीं है वो, लगता है कि मलबे में दबके मर गया। वो मर गया तो फिर ब्लूप्रिंट का क्या होगा यार, वो हमें कैसे मिलेगी? अरे जल्दी कुछ करो यार, नहीं तो सबके सब यहीं दफन हो जाएंगे। एक बार उसे ढूंढे। तुम लोग ढूंढो, मैं जा रहा हूँ, मुझे मरना नहीं है। अबे तो भागो। अरे भागो भागो, भागो से। जल्दी निकलो, संभाल के। अब चलो निकलो यहां से, भूल जाओ उस फाइल को, चलो जल्दी। अबे चल जल्दी यहां से, चल। हाँ निकल। यही छुपा वो, चल चल। चल खड़ा हो, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। चल जल्दी बता कहाँ है वो फाइल, जल्दी बता कहाँ है वो फाइल। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बोल बताएगा कि नहीं? देख जल्दी बता वरना गोली मार दूंगा। मुझे बता रहा हूँ, जल्दी बता, बक बक कम है। बता दो चले चले मेरे साथ, चले। Rick.
विवेक, विवेक, किसी चीज को सर वो यही कहीं होना चाहिए सर। आप ठीक तो होना सर। मैं ठीक हूँ। निमेश को ढूंढो। यस सर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। निमेश एक मिनट हाथ देना सर। इस पिलर को उठाओ। निमेश तुम ठीक हो? तुम चल सकते हो ना? चलो वो साइंटिस्ट तो यहाँ दिखाने गई। चौथा माला चलो चल के देखते हैं। संभाल के किस तरफ आ जाओ। सर मैं अंदर जाता हूँ सर। तुम भी जाते हो? यस सर। ठीक है। मुझे भी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। ये कमरा पूरा बंद है। अब क्या होगा? कुछ तो करना पड़ेगा। चल देखती है रास्ता बन जाए। कुछ सुना तो लगे देखे आवाज यहां इस तरफ से आ रही है। कौन हो सकता है सर? कोई आ रहा है। चल एक आदमी नहीं दो तीन लोग लगते हैं। गुटे तो नहीं जैसे वो लोग ढूंढ रहे हो साइंटिस्ट हो सकता है। होशियार रहना अपराधी भी हो सकता है। चलो देखते हैं। ये भी हो सकता है कि दया सर विवेक हो। ये दया सर
सवाल कर थोड़ी देर विवेक इस पिलर को कहा सवाल के बस थोड़ी देर इसके पीछे गए अब आएगा मजा जिस चीज के लिए इतने दिनों से जान हथेली पे लेकर घूम रहे थे आज वो आखिर हमारे हाथ लगी गई लेकिन अब इस साइंटिस्ट का क्या करें उड़ा दे अरे हमारे किसी काम का नहीं जा देखो आप लोग चाहे मेरी जान ले लो लेकिन लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना मेरी बेटी को कुछ मत कहना इसे कहते हैं अकलमंद साइंटिस्ट अरे तुम्हारी बेटी तो हमारे पास है ही नहीं हमने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है ताकि तुम डर के ये ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में दे दो उड़ा दे अभी हमारे किस काम का है मैं आपको कैसे तोड़ता हूं मैं भी हिलने की कोशिश मत करना वरना वो सामने वाला और मैं तुम्हारा भेजा हल नहीं करूंगा ऑन Oh,
सरकार ने मुझे बंदूक तो दी है लेकिन गोली चलाने पर पाबंदी लगाई है, मैं तो सारी की सारी गोलियां तेरे सिर पर काट देता। तुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। एसीपी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और आपकी पूरी टीम ने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई है। ये तो हमारा फर्ज था सिद्धेश साहब, लेकिन ये बताइए ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? सर, मैंने एक मशीन बनाई है जिसमें से एक नए प्रकार की किरण निकलती है जो लेजर से भी ज्यादा ताकतवर है। ये किरण जमीन के नीचे से हजारों फीट दूर तक तबाही मचा सकती है। अच्छा, इतनी ताकतवर है ये मशीन? जी हाँ सर, अगर आप यहाँ बैठकर हजारों फीट दूर किसी इमारत को गिराना चाहते हैं तो इस मशीन से गिरा सकते हैं। तब तो ये मशीन गलत हाथों में पड़ जाती तो बहुत तबाही मच सकती थी। सर, ये लोग उस मशीन की ब्लूप्रिंट मुझसे लेना चाहते थे, मैंने ये ब्लूप्रिंट इन्हें देने से मना कर दिया, इसलिए ये लोग मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपनी जान पर खेल के बहुत बहादुरी का काम किया है। सर, ये मशीन मैंने अपने देश के लिए बनाई थी, उसे बचाने के लिए अगर मेरी जान भी जाती तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। हमारे देश के लिए आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। ले चलो इन सबको। सर, आपने तो सुना होगा सर, ये सूर्या सर फिर से जोरों से अपने काम शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। कह सकते हैं आप, अब उनकी आंखें कैसी है? नहीं सर, वो देख नहीं सकते, मगर इससे उनके काम पे कोई असर नहीं पड़ा है। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। जरूर जाओ, जरूर जाओ, बड़ा बहादुर ऑफिसर है वो, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनसे कह देना मैंने जय हिंद कहा है।